दोस्तों आज भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच सीरीज का आखिरी ओवर तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। तो ऐसे में ये दोस्तों जानते हैं कि इस मैच में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कैसी होगी और दोस्तों जानेंगे भारतीय टीम के तरफ से किन दो खिलाड़ियों को मैच से पहले ही बाहर कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जहां दोस्तों पहले बात करें, भारतीय टीम ने वनडे की तरह ही T20 सीरीज भी अपने नाम कर ली है और ऐसे में अब भारतीय टीम तीसरे T20 मुकाबले में कुछ नए खिलाड़ियों को इस मैच में आजमाना चाहेगी। और दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली और ऋषभ पंत को बायो बबल से रिलीज कर दिया गया है, यानी कि अब ऋषभ पंत और विराट कोहली तीसरा T20 मैच नहीं खेलने वाले हैं और ये दोनों ही खिलाड़ी 24 फरवरी से श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से भी बाहर रहेंगे। ऐसे में दोस्तों ये दोनों ही खिलाड़ी आज का मैच मिस करने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों आज का मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स क्रिकेट ग्राउंड पर शाम को 7 बजे खेला जाएगा। तो ऐसे में आइए दोस्तों पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज की टीम की प्लेइंग 11 की। दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से ब्रेंडन किंग और काइले मियर्स ओपनिंग बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। वहीं मिडल ऑर्डर में निकोलस पूरन, रोस्टन चेस, रामबेन पावेल और कायरन पोलार्ड मिडल ऑर्डर में नजर आएंगे। वहीं गेंदबाजी में अकील हुसैन, जेसन होल्डर, ओडिन सुमित, शेल्डन कॉटरेल और रोमारियो शरफेट वेस्ट इंडीज की टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। और वहीं दोस्तों अब बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड नजर आएंगे। वहीं मिडल ऑर्डर में ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर मिडल ऑर्डर में नजर आएंगे। वहीं गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर, हर्षल पटेल, आवेश खान, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। और वहीं दोस्तों तीसरे T20 मैच में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 इस तरह होगी। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब भारतीय टीम तीसरे T20 मुकाबले में जीत हासिल करके वेस्ट इंडीज की टीम को T20 सीरीज में भी क्लीन स्वीप कर पाएगी कि नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे में दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।